दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है नेल्स। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक मेल नर्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट एक बच्ची को इंजेक्शन लगाता है और फिर उसके नेल्स काटकर एक पैकेट में संभाल कर रखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी डायना को देखते हैं जो कि एक एथलीट कोच थी। वो अपनी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहती थी। एक सुबह जॉगिंग करते हुए रोड पर कोई गाड़ी उसे हिट कर देती है और गाड़ी वाला आदमी उसकी मदद करने की बजाय वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम डायना को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो 2 हफ्ते कोमा में रहने के बाद अब होश में आई थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था क्योंकि उसके लंग सही से काम नहीं कर रहे थे और वो बोल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स को लगता था कि शायद उसकी मेमोरी भी लॉस हो चुकी हो क्योंकि उसे सिवियर हेड इंजरी हुई थी और ब्रेन भी स्वेल था। रूम में उसका हस्बैंड स्टीव डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। होश में आने पर डायना उसे पहचान लेती है, मतलब उसकी मेमोरी ठीक थी। स्टीव उससे स्पीच सिंथेसिस डिवाइस यूज करवाता है जिसके थ्रू वो टाइप करके बात कर सकती है। डायना सबसे पहले अपनी बेटी जैमा का पूछती है। स्टीव बताता है कि वो ठीक है और रोज तुम्हारे पास यहाँ बैठकर वो तुम्हारे लिए रीडिंग और सिंगिंग करती थी। रात को अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं। डायना अपने रूम में सो रही होती है तो किसी की मौजूदगी के एहसास से उसकी आंख खुल जाती है। उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो टाइप करके पूछती है कि यहाँ कौन है, मगर कोई जवाब नहीं आता। हमें रूम के कॉर्नर में एक घोस्ट खड़ा नजर आता है जो डायना की तरफ देख रहा था, मगर डायना उसे नहीं देख पाई थी। वो दोबारा सोने की कोशिश करती है तभी अचानक से क्लोजेट का दरवाजा जोर से बंद होता है। शायद वो घोस्ट उस दरवाजे के अंदर गया था। अगली सुबह डायना अपने नर्स ट्रेवर को बताती है कि लास्ट नाइट कोई मेरे रूम में था और मुझे देख रहा था। मुझे सोते हुए अजीब आवाजें सुनाई दी थी। ट्रेवर डायना की बातों को इतना सीरियस नहीं लेता, मगर फिर भी वो डायना की तसल्ली के लिए पूरे रूम को अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन उधर कोई भी नहीं होता। तभी स्टीव और जैमा भी वहां पहुंच जाते हैं। डायना और जैमा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। ट्रेवर को लगता था कि डायना को पेन किलर्स की वजह से हेलुसिनेशंस हो रही हैं। वो स्टीव को डायना की बात बताता है, जिस पर स्टीव कहता है कि शायद कोई पेशेंट इसके रूम में आया हो, मगर ट्रेवर बोलता है कि हॉस्पिटल के इस विंग का कोई भी पेशेंट चल नहीं सकता। मैं इस बारे में मिस लीनिंग से बात करूंगा, लेकिन आप डायना को किसी साइकेट्रिस्ट से चेक करवाएं। उसके बाद स्टीव के पूछने पर डायना उसे रात वाली बात बताती है और कहती है कि मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, ये जगह मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ रहो या मुझे घर ले चलो। मगर स्टीव को लगता था कि इस हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा है, डायना की यहाँ बेटर केयर होगी और इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की वजह से उन्हें इंश्योरेंस कवर भी मिलना था। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो जैमा हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने जाती है। हॉलवे में लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं। साथ ही फ्लैशबैक में हमें एक वार्ड में किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट दिखाया जाता है। जैमा चलते हुए शायद उसी वार्ड में पहुंच चुकी थी जो कि अब खाली पड़ा था। वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और पर्दे के पीछे कोई हाथ भी नजर आता है, मगर देखने पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक उसका हाथ लगने से टेबल से चीजें नीचे गिर जाती हैं और अलार्म बजने लगता है। जैमा बेड के नीचे से चीजें उठाने लगती है तो हमें उसके पीछे किसी घोस्ट के पांव नजर आते हैं। तभी वहां मिस लीनिंग आकर जैमा को ले जाती हैं। वो उसे बताती हैं कि मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ। दूसरी तरफ स्टीव डायना के हाथ की फिजिकल थेरेपी कर रहा होता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डायना उसकी सेकंड वाइफ है। स्टीव भी डायना के साथ एथलीट कोच की जॉब करता था और वो डायना को वहाँ एक नई अपॉइंटेड लड़की एशले के बारे में भी बताते हुए उसकी बहुत तारीफें करता है। डायना को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी जैमा वहाँ आती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को डायना को विजन आता है कि वो घोस्ट पिलो से उसे सफोकेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर रियल में वहाँ कोई घोस्ट नहीं था और पास ही डॉक्टर स्टेंजल बैठे होते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे। वो डायना को बताते हैं कि तुम एक्सीडेंट के बाद 2-3 मिनट के लिए टेक्निकली मर चुकी थी, लेकिन पैरामेडिक्स ने तुम्हें बचाया। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? जिस पर डायना बोलती है कि मुझे उस टाइम पर मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई दी थी जो मुझे पकड़ रहे थे। मैं उनके हाथों और नेल्स को फील कर सकती थी। वो मुझे नीचे खींच रहे थे। देन डायना डॉक्टर को बताती है कि मुझे ये जगह सही नहीं लगती, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन उस डॉक्टर को भी यही लगता है कि ये सब डायना का सिर्फ वहम है। वो कहता है तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। रात को फिर उसी टाइम पर जब डायना सोने लगती है तो कबर्ड में से वही भूत निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो डायना के वेंटिलेटर का प्लग निकाल देता है। डायना ऑक्सीजन के बिना पैनिक करते हुए इमरजेंसी बटन प्रेस करती है। थोड़ी देर में डायना बेहोश हो जाती है। स्टाफ के आने पर घोस्ट गायब हो जाता है। अगली सुबह डायना स्टीव को बताती है कि मैंने देखा कि एक अजीब से आदमी ने वेंटिलेटर बंद कर दिया था। उसके लंबे लंबे हाथ थे,
ये सब सुनकर स्टीव काफी परेशान हो गया था। उसे डैना की सिक्योरिटी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके रूम के अंदर और बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगवा देता है। तभी उसे एशले की कॉल आती है और स्टीव डैना को बताता है कि उसे मैंने जैमा को स्कूल से पिक करने का कहा था। उसके बाद स्टीव डैना की सिक्योरिटी को लेकर मिस लीनिंग से बात करता है, जिसे लगता था कि वेंटिलेटर मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। मगर स्टीव इस बात पर इंसिस्ट करता है कि डैना के कमरे में कोई आया था और अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो वो हॉस्पिटल पर केस कर देगा। डैना स्टीव को अपनी फिक्र करता हुआ देखकर काफी खुश होती है। उधर मिस लीनिंग जाकर ट्रेवर पर गुस्सा करती हैं कि दोबारा ऐसी कोई नेग्लिजेंस ना हो। वो कहती है कि हमारे पास बैकअप होना चाहिए ताकि डैना के वेंटिलेटर का दोबारा मसला ना बने। रात को डैना उठने की कोशिश करती है, मगर वो ये देखकर काफी दुखी होती है कि उसकी टांगें पैरालाइज हो चुकी थी, वो हिल भी नहीं रही थी। अचानक से उसे कोई आवाज आती है और वो डर जाती है। कोई बार बार उसके कैबिन की दीवार को नॉक कर रहा था। जब डैना उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो रुक जाता है। उसके बाद डैना उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि पहले ये हॉस्पिटल एक रिहैबिलिटेशन सेंटर हुआ करता था। उसे हॉस्पिटल के कुछ पुराने स्टाफ की फोटोज भी मिलती हैं, जिनमें से एक की शक्ल सेम उस खोज जैसी थी। उसका नाम था एरिक नेल्सन। उसने 1984 में हॉस्पिटल के कुछ बच्चों का मर्डर करके खुद को भी मार डाला था। तभी डैना को दोबारा रूम में किसी की प्रेजेंस फील होती है। अगले दिन डैना ट्रेवर से एरिक नेल्सन के बारे में पूछती है, मगर वो कहता है कि मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और वो डैना से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में डॉक्टर स्टेंजल से पूछना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले से यहाँ काम करते आ रहे हैं, शायद उन्होंने एरिक नेल्सन के साथ भी काम किया हो। डैना उससे साथ वाले रूम के पेशेंट के बारे में भी पूछती है, क्योंकि उसे लगता था कि दीवार पर नॉक उसी पेशेंट ने किया होगा। मगर ट्रेवर बताता है कि वो पेशेंट एली है, जिसकी कंडीशन काफी खराब है। तभी ट्रेवर को डैना की टांग पर स्क्रैचेस के निशान नजर आते हैं और उसे लगता है कि डैना नींद में खुद को जख्मी कर रही थी। वो उसके हाथ बांधकर उसे सेडेटिव देकर सुला देता है। डैना उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर वो नहीं सुनता। उसके बाद वो नोटिस करता है कि क्लोजेट का दरवाजा बार बार खुद ही खुलता जा रहा था, तो वो उसे व्हीलचेयर रखकर बंद कर देता है। अगले दिन डैना डॉक्टर स्टेंजल से नेल्सन के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि एरिक नेल्सन को 1972 में एज ए मेंटल पेशेंट इस हॉस्पिटल में लाया गया था। उसे फोस्टर केयर में रखा गया, जहां उस पर काफी टॉर्चर भी किया जाता था। उसके नेल्स काफी बड़े थे और वो खुद को नुकसान पहुंचाता था। हमें रोज उसके नेल्स काटने पड़ते थे, क्योंकि वो स्क्रैच करके अपने जिस्म को जख्मी कर लेता था। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो गया और वक्त के साथ उसके स्कार्स भी हील हो गए। वो इस हॉस्पिटल को अपना घर समझने लगा। उसने यहाँ जॉब के लिए पूछा तो किसी ने भी मना नहीं किया, क्योंकि सब उसे इस हॉस्पिटल का ही एक पार्ट समझते थे। तब दिखने में वो पूरी तरह सही लगता था। उसने कुछ दिनों तक चाइल्ड केयर यूनिट में काम किया। वो बच्चों के नेल्स काटकर एनवेलप में सेव कर लिया करता था, जिसकी वजह से सब उसे नेल्स कहकर बुलाने लगे। उसके बाद 1984 में सस्पिशियसली 5 बच्चियों की डेथ हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन नेल्स के एनवेलप्स की वजह से उनका शक एरिक नेल्सन पर गया। डैना पूछती है कि एरिक ने उनको क्यों मारा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है शायद वो उन्हें उस एब्यूज से बचाना चाहता था जो उसने खुद पर सहे। अपने मुताबिक वो उन्हें इस दुख और तकलीफ से आजाद कर रहा था, ताकि उनका फ्यूचर उसके जैसा ना हो। और फिर उसने खुद को भी मार डाला, जिस पर डैना पूछती है कि क्या उसने इसी रूम में इसी कबर्ड में खुद को मारा था। मगर डॉक्टर उसे कुछ भी क्लियर नहीं बताता, तो डैना समझ जाती है कि यही सच है। वो काफी डर गई थी। रात को जैमा डैना को वीडियो कॉल करती है तो उसके साथ घर पर एशले को देखकर डैना को काफी अजीब लगता है। देन हॉस्पिटल कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिक करती हैं और डैना साथ वाले रूम की पेशेंट एली से बात करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से क्लोजेट का दरवाजा खुलने लगता है और उसमें से एरिक का भूत बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डैना बुरी तरह डर जाती है और बजर प्रेस करने लगती है। वो भूत आगे बढ़ते हुए डैना के पास आ जाता है, मगर तभी ट्रेवर रूम में आकर लाइट्स ऑन कर देता है और वो भूत गायब हो जाता है। डैना बुरी तरह शॉक में थी। अगले दिन डैना स्टीव को फुटेज दिखाती है, मगर कैमरा में कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्टीव को लगता है कि कैमरास की वजह से डैना का डर और ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वो उन्हें हटाने का डिसीजन लेता है। डैना उसे ऐसा करने से रोकती है, मगर वो नहीं सुनता। स्टीव को ये भी लगता था कि शायद ये सब ट्रेवर कर रहा है, मगर डैना कहती है कि वो ऐसा नहीं है। इस हॉस्पिटल में मुझे सिर्फ उसी पर ट्रस्ट है। उसके बाद स्टीव जैमा को डैना के पास भेजकर खुद डॉक्टर से बात करता है। डैना जैमा को बताती है कि नेक्स्ट रूम में एली पेशेंट है, जो नेल्स के बारे में जानती है और वो नॉक करके मुझे वार्न करना चाहती थी, तुम जाकर उसे बात करो। डॉक्टर्स को लगता था कि डैना को ब्रेन इंजरी की वजह से पैरानॉइड विजन आ रहे हैं।
उधर जेमा एली के रूम में जाकर डेना की सारी बात उसे बताती है, मगर वो आगे से कोई जवाब नहीं देती। अचानक से उसका फेस अजीब हो जाता है और वो जेमा को डरा देती है। जेमा जल्दी से जाकर बाहर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती है। डॉक्टर्स वहां जाकर देखते हैं तो वो औरत मर चुकी थी। दूसरी तरफ ट्रेवर को भी दीवार के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसके बाद वो डेना के रूम की क्लोजेट को सील कर देता है। मगर डेना को लगता था कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि ईवल है। वो ट्रेवर को बताती है कि नेल्स ने बच्चों को मार कर फिर खुद को भी इसी रूम में मार डाला था। मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम इसमें मेरी मदद करो, जिस पर वो उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम ये सब अपने हस्बैंड से बोलो। अगले सीन में डेना इंटरनेट पर एक आदमी की वीडियो देखती है जिसे एक्सीडेंट के बाद स्पिरिट्स नजर आने लगी थी और वो भी डेना की तरह 2-3 मिनट्स डेड रहने के बाद वापस जिंदा हुआ था, इसलिए वो मरे हुए लोगों को देख सकता था। उसके बाद डेना वेंटिलेटर को ऑफ करके खुद से सांस लेने की प्रैक्टिस करती है। उधर ट्रेवर मिस लिनिंग को बताता है कि मुझे भी उस रात डेना के रूम में किसी की प्रेजेंस फील हुई थी। वो उससे एरिक नेल्सन का भी पूछता है। लिनिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता एरिक ने उन बच्चियों को मारा था। तभी उन्हें रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो इग्नोर कर देते हैं। लिनिंग ट्रेवर से बोलती है कि तुम हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में बात मत करो। ट्रेवर कहने की कोशिश करता है कि डेना प्रॉब्लम में है, मगर लिनिंग उसकी बात नहीं सुनती। ट्रेवर पूरी रात डेना की सिक्योरिटी के लिए उसके रूम के बाहर खड़ा रहता है। उसे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। डेना ये तो समझ चुकी थी कि उसे नेल्स का घोस्ट क्यों नजर आता है, क्योंकि वो कुछ मिनट मरने के बाद जिंदा हुई थी, इसलिए उसे डेड पीपल नजर आ रहे थे। मगर उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि वो उसे मारना क्यों चाहता है। डेना अब हेल्थ वाइज काफी इम्प्रूव कर चुकी थी। अचानक से नेल्स स्पीच सिंथेसिस डिवाइस के थ्रू डेना से बात करते हुए कहता है कि तुम मर जाओगी, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। फिर नेल्स उसे विजन के थ्रू दिखाता है कि स्टीव का एशले के साथ चक्कर चल रहा है। ये देखकर डेना को बहुत बुरा लगता है। तभी उसे अपनी लेग्स पर स्क्रैचेस नजर आते हैं, तो वो नेल से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर वो उसकी बॉडी पर स्क्रैच करके लिखता है आई मिस यू। मतलब शायद नेल्स डेना को पहले से जानता था। अगले सीन में हम ट्रेवर को अपने कैबिन में देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अबेंडेंड एरिया में था। उसे वहां पर रखे कैबिनेट में से कुछ आवाजें आती हैं। चेक करने पर ट्रेवर को उधर से एक फाइल मिलती है जो कि नेल्स की थी। उसमें उन 6 बच्चियों के डॉक्यूमेंट्स भी थे जिनका वो ख्याल रखा करता था। उनमें से 5 को तो नेल्स ने मार दिया था, लेकिन 1 बच्ची को वो मार नहीं पाया था और वो अभी तक जिंदा थी, जिसका नाम था डेना, जो कि बचपन में उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसकी नर्सिंग नेल्स ने की थी। मतलब डेना का नेल्स के साथ यही पुराना कनेक्शन था। यानी नेल्स अब डेना को मारना चाहता था, क्योंकि वो उस वक्त उसको मार नहीं पाया था। तभी ट्रेवर को कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने कैबिन की वीडियो नजर आती है, जिसमें नेल्स दीवार से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ट्रेवर को वीडियो के अलावा रियल में वो नजर नहीं आ रहा था, और फिर नेल्स ट्रेवर को भी मार डालता है। दूसरी तरफ स्टीव मिस लिनिंग से कंप्लेन करता है कि डेना का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। उसे लगता था ये सब ट्रेवर ने किया है, मगर डेना बोलती है कि ये ट्रेवर ने नहीं किया। तभी एशले भी जेमा को लेकर वहां आ जाती है। स्टीव लिनिंग से पुलिस को कॉल करने का कहता है। स्टीव डेना को उसकी वो फाइल दिखाता है जो उन्हें ट्रेवर के रूम से मिली थी। स्टीव बोलता है कि जब एरिक ने उन 5 बच्चियों को मारा था तो तुम यही एडमिट थी, और अब ट्रेवर भी वैसा ही करने वाला है जैसा नेल्स ने किया। ये सुनकर डेना बुरी तरह डर जाती है और वो स्टीव को बताती है कि नेल्स ने मुझ पर अटैक किया, मगर वो उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ जब मिस लिनिंग पुलिस को कॉल कर रही होती है तो नेल्स वहां पहुंचकर उसे भी मार डालता है। उधर डेना स्टीव और एशले पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे अफेयर का पता चल चुका है, मुझे नेल्स ने दिखाया जब तुम एशले के साथ हमारे बेडरूम में थे। ये सुनकर स्टीव वहां से जाने लगता है। एशले पहले ही जा चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। स्टीव जेमा को डेना के पास छोड़कर चेक करने के लिए जाता है। डेना जेमा से कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यहाँ से भाग जाओ, मगर जेमा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिसके बाद डेना अपनी सब ट्यूब्स निकालकर व्हीलचेयर पर जेमा के साथ जाने लगती है। स्टीव पार्किंग लॉट में जाकर एशले को ढूंढ रहा था, फिर वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, जहां पर उसे एशले नजर आती है जो कि पोजेस हो चुकी थी, और वो स्टीव को मार देती है। उधर जेमा और डेना हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी और नेल्स भी उनके पीछे जा रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए डेना नीचे गिरकर जख्मी हो जाती है, तो वो जेमा से खुद को छोड़कर चले जाने का कहती है, मगर जेमा उसे दोबारा व्हीलचेयर पर बिठाकर भागने लगती है। नेल्स बचे हुए पेशेंट्स को मारते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी नेल्स उनके सामने डॉक्टर स्टेंजल को भी मार डालता है, जो कि उनकी मदद करना चाह रहे थे। फिर उसे अपनी तरफ आता देखकर डेना जेमा को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दे देती है, और नेल्स जेमा के सामने ही डेना को मार डालता है।
वो उसे ऊपर उठाकर दीवारों से टकराते हुए नीचे गिराता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जेमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद वो रेस्क्यू टीम को बताती है कि नेल्स ने सबको मारा है। एंड के सीन में हम डैना के रूम में उसके लैपटॉप को देखते हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। डैना अपने बेड पर थी और उसके पास नेल्स आता है। डैना बोलती है कि मैं यहाँ सेफ फील नहीं कर रही, मुझे फ्री कर दो। असल में ये सब नेल्स के क्रिपल माइंड का प्रोजेक्शन था, कि वो इन सब मर्डर्स को कैसे देखता है और कैसे जस्टिफाई करता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन हिंदी उर्दू।